दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक सीरियस स्किन इन्फेक्शन के बारे में जिसे काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं, काफी लोग परेशान रहते हैं। जी हां दोस्तों, और एक बार यह बीमारी हो गई ना तो फिर जिंदगी नर्क सी बन जाए। तो दोस्तों जिस स्किन इन्फेक्शन के बारे में आज बात करने वाला हूं उसका नाम है सोरियासिस। आपने सुना भी होगा पहले कि सोरियासिस एक गंभीर बीमारी है, गंभीर स्किन डिजीज है। जिस व्यक्ति में अगर एक बार सोरियासिस हो जाता है तो उसे काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सोरियासिस क्या है, सोरियासिस क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका इलाज क्या है और इसका खान पान क्या है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सोरियासिस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोरियासिस क्या होता है। हमारी स्किन की ऊपरी सतह में मौजूद सेल्स 4 से 6 हफ्तों में डेड हो जाते हैं और फिर यह सेल्स टूट कर गिरने लगते हैं। इसी दौरान इनकी जगह पर नए सेल्स का निर्माण होता है। और सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है और ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेल्स को ही नष्ट करने लग जाती है। इस प्रकार से जब हमारी स्किन के सेल्स 4 से 6 हफ्तों में डेड होने के बजाय कुछ ही दिनों में डेड होकर गिरने लगते हैं और ऐसा हमारे इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी के सेल्स के प्रति आक्रामक स्वभाव के कारण ही होता है। कुल मिलाकर हमारी स्किन की सेल्स काफी तेजी से डेड होने लगती है और स्किन में इन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स का निर्माण भी काफी तेजी से होने लगता है, जिस कारण से नए सेल्स और पुराने डेड सेल्स स्किन की सतह पर जमा होने लगते हैं, यानी कि स्किन पर एक चकते और उभार नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि सोरियासिस के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी स्किन पे जो डिजीज हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एक सोरियासिस बीमारी है। सोरियासिस में हमारी स्किन पर चकते होने लगते हैं। यह चकते हाथों, पैरों, फेस पर, ज्वाइंट्स पर और पूरे शरीर में भी हो सकते हैं। इन चकतों पर खुजली होती है, ये ड्राई होते हैं और व्हाइट या सिल्वर कलर के होते हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि सोरियासिस होने के क्या क्या कारण हैं, क्यों सोरियासिस होता है, किन किन लोगों में सोरियासिस होता है। सोरियासिस होने का अभी तक कोई ऐसा ठोस कारण नहीं मिल पाया है, लेकिन इसके होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, टेंशन यानी तनाव लेना, अधिक ठंड या गर्मी में रहना, लंबे समय से कोई बीमारी का होना या फिर दवाइयों का चलना। अब बात करेंगे कि सोरियासिस को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसका इलाज है, क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। तो जैसे ही सोरियासिस के लक्षण आपके शरीर पर दिखने लग जाएं, तो जल्द से जल्द किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। सोरियासिस का इलाज कुछ ब्लड टेस्ट करने के बाद स्टार्ट किया जाता है और इसका काफी लंबा इलाज भी चलता है, यहां तक कि 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी कब से है। अपने भोजन में आपको विटामिन डी, ओमेगा 3 और केराटिन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अपनी स्किन को हमेशा ढक कर रखें, उसे ड्राई ना होने दें। स्किन की साफ सफाई का ध्यान रखें, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पिएं और प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। दोस्तों आप जानते हैं कि क्या सोरियासिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो दोस्तों सोरियासिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है, यह एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि अपनी बॉडी पर ही इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।